कोरवाई क्षेत्र के किसान 15 से 40 किलोमीटर दूर कोरवाई मंडी में बने खरीदी केंद्र पर समर्थन मूल्य पर उड़द बेचने आते हैं, लेकिन केंद्र के कर्मचारी उड़द को अमानक बताकर वापस लौटा देते हैं। मजबूरन किसान नगर के व्यापारियों को हजारों रुपए के घाटे में अपनी उड़द बेचने को मजबूर है। अगर ऐसी स्थिति निर्मित रही तो किसान दलहन की फसल अपने खेतों में बोना ही बंद कर देगा। किसान अफजल अली ग्राम सीहोर, प्रेम सिंह राजपूत ग्राम बरुआ, रविकांत दीक्षित और अन्य किसानों ने बताया कि हम सभी किसान परेशान हैं। एक तो 20 किलोमीटर दूर कोरवाई में समर्थन मूल्य खरीदी केंद्र पर अपनी उड़द लेकर आए थे, लेकिन अमानक बताकर वापस कर रहे हैं। साथ ही हम किसान लोगों को रात में ठंड में खरीदी केंद्र पर रुकना पड़ता है। अधिकारी लोग दोपहर 12 बजे आते हैं और गिनी चुनी ट्रालियों को पास करते हैं। बड़े बड़े किसानों और नेता लोगों की फसल ऑफिस के अंदर जाकर उसकी जांच की जाती है और छोटे किसानों की फसल ट्रॉलियों में जांच कर फेल कर दी जाती है। फिर हमें आगे और इंतजार करना पड़ता है। थोड़ा सा हंगामा और शोर शराबा करने पर फिर से फेल की हुई फसल को फिर से पास कर दिया जाता है। ऐसा ब्लॉक के प्रत्येक किसान के साथ किया जा रहा है। अब तो खरीदी के कर्मचारियों ने उड़द की खरीदी भी बंद कर दी है। अब किसान मजबूरन व्यापारियों को कम दामों में अपनी फसल बेच रहा है। ऐसे में किसान दलहन की फसल बोना ही बंद कर देगा। जब इस संबंध में पत्रकारों ने फसल सर्वेयर से बात करना चाहिए तो सर्वेयर खरीदी केंद्र छोड़कर ही भाग गया। पहले फेल कर दी, फिर बाद में पास कर दी। कैसे पास कर दी जब फेल कर दी थी? अब हम नहीं जाना साहब, कैसे कर दी? कब से आप डले यहाँ पे? हम 8 बजे आ गए थे। तो ये साहब आपका आरोप है, आप जो सब लोग बोल रहे हैं कि ऑफिस में जाके चेक कर रहे हैं। चेक करी इनने, ऑफिस में जाने की चेक करी इनने, ट्रॉलियों पे नहीं आ रहा है। पहले ट्राली भी आपसे पहले फेल कर दी उनने। आपसे कुछ मांगा था? कछु नहीं मांगा। किसानों को काफ़ी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ अपनी फसल लेकर आते हैं तो उसका कभी पास की वो दे दी जाती, कभी फेल की। कोई ऐसा लेटर के साथ देना चाहिए जैसा कि मतलब नियम में है कि जिस ट्राली रिजेक्ट होगी उसको एक लेटर दिया जाएगा कि आपकी ट्राली को रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये यहाँ बगैर उसके ही कर देते हैं। ना सही से चेक करते हैं ना ही